श्री रेवन्ना का जो समाचार समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जा सकता। वहां सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस पार्टी की। कर्नाटक की बात भी आपने कही है। कर्नाटक में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है। मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उनको उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते। श्री रेवन्ना का जो समाचार समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाए। वहां सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस पार्टी की है।